यूपी नगर निकाय चुनाव के नतीजों के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल यूपी निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। कल इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि सूबे में कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। बता दें कि कल सुबह 7 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और TV9 पर आपको चुनाव के नतीजों से जुड़ी हर पल की सटीक जानकारी मिलती रहेगी। आज CBSE बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार खत्म हो गया। CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए। इस साल कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में लगभग 21,86,940 छात्र शामिल हुए थे, जिनका उत्तीर्ण प्रतिशत 93.12% रहा है। त्रिवेंद्रम CBSE कक्ष 10वीं की परीक्षाओं में सबसे अधिक उत्तीर्ण प्रतिशत वाले क्षेत्र के रूप में उभरा है, जिसमें प्रभावशाली 99.91% पास दर, बेंगलुरु 99.18% पास प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर, चेन्नई 99.14% तीसरे और अजमेर 97.27% के साथ चौथे स्थान पर। CBSE बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित होते PM नरेंद्र मोदी ने छात्रों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर 12वीं में पास हुए छात्रों के लिए लिखा कि मैं उन सभी एग्जाम वॉरियर्स को बधाई देता हूं जिन्होंने CBSE की 12वीं की कक्षा की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। मुझे इन युवाओं की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प गर्व है। मैं उनके माता पिता और शिक्षकों को भी युवाओं की सफलता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए बधाई देता हूँ। वहीं उन्होंने 10वीं में पास हुए छात्रों के लिए लिखा कि CBSE की 10वीं कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी एग्जाम वॉरियर्स को बधाई, उनके आगामी प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं, उनका एक उज्ज्वल अकादमिक कैरियर हो और वे कक्षा से परे अपने अन्य जुनूनों को भी पूरा करें। फिल्म द केरला स्टोरी पर मचे सियासी घमासान के बीच यूपी निकाय चुनाव से फुर्सत मिलते यूपी के CM योगी आदित्यनाथ द केरला स्टोरी देखने पहुंचे। इस फिल्म की स्क्रीन आज सुबह 11:30 बजे लोक भवन में रखी गई थी। इस दौरान उनके साथ डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, BJP प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद और कई BJP विधायक मौजूद थे। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने CM योगी और पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म द केरला स्टोरी को देखने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि वो खुश है कि पूरी कैबिनेट के साथ उन्हें ये फिल्म देखने का मौका मिल। इसके साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी से भी फिल्म से बैन हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जल्द ही यहाँ के लोगों के सामने भी सच सामने आ जाएगा। CM योगी के फिल्म द केरला स्टोरी देखने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पर तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पिक्चर आगे नहीं पीछे बैठकर देखी जाती है। मानने उत्तर प्रदेश की कहानी पर ध्यान दे तो शायद प्रदेश का कुछ उद्धार हो जाए। अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि की ताजा तस्वीरें सामने आई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने ट्विटर हैंडल से राम मंदिर के निर्माण कार्य की नई तस्वीरें शेयर की है, जिसमें राम मंदिर के प्रगति का कार्य साफ देखा जा सकता है। बता दें कि ट्रस्ट ने दिसंबर 2023 में मंदिर के निर्माण की समय सीमा तय की, वहीं जनवरी 2024 से इसे भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच और साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर दाखिल याचिका स्वीकार कर ली और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को बिना क्षति पहुंचाए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच करने का आदेश दिया। उत्तराखंड सरकार के वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के ऐलान के बाद वन विभाग की टीम भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही। इसी सिलसिले में रेंज अधिकारी खानपुर की सीमा पर लगे बाबा हबीबुल्ला शाह की मजार को ध्वस्त करने पहुंचे थे, मगर जैसे गांव वालों को इस बात की सूचना मिली वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम को बैरंग मौके से लौटना पड़ा।